तो अभी हमने रोड की साइड वो चेंज कर लिया, तो इस साइड पे जो है वो ट्राली जो है गन्नों वाली वो उल्ट गई है, तो एक ट्राली यहाँ पे उल्टी हुई है। तो अभी खतरा बहुत ज्यादा हमें, तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। ओ शिट 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 शिट, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल ठीक ठाक। तो आज अभी बच चुके हैं तकरीबन 11 बज चुके हैं और हमारा प्रोग्राम बना हुआ है कमालिया का साहब भाई के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो मैं तकरीबन 9:30 से 10 बजे तकरीबन इतने बजे से उठा हुआ, तो अभी 11:30 हो गए हैं और साहब भाई के अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। वो कह रहे थे कि 11:30 पे निकलना है, तो अभी 11:30 होने वाले हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो चल आज हमने बाइक पर जाना अपनी, तो कमालिया देखेंगे, सैर करेंगे कमालिया की। तो अभी चलते हैं, बाइक वगैरह मैं निकालता हूँ, फिर चल निकलते हैं। वाह कितनी खूबसूरत लग रही है यार बाइक आज। तो काफ़ी दिनों के बाद आपने बाइक देखी होगी मेरे व्लॉग में, और काफ़ी दिनों के बाद हम करने लगे हैं मोटो व्लॉग। तो कमालिया जा रहे हैं, तो वहाँ देखते हैं के क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। इसे भी स्टार्ट करके देखते हैं, कल मैंने स्टार्ट की नहीं थी तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा डाउन है इसकी, तो स्टार्ट हो गई है, हो गई, ओह बंद हो गई, अब नहीं स्टार्ट होनी मेरे ख्याल से, अभी से स्टार्ट ही रखते हैं। तो सामने साहब भाई सामने बाहर खड़े हैं और मुजम्मल भाई भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, वाह बड़ा तू टाइम था, बहुमत बंदा, बहुत बहुमत बंदा टाइम था। मुझे क्या हाल चाल ठीक ठाक। नहीं नहीं, तो वैसे हेलमेट आपका काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, तो ये भी मेरी वाली कंपनी का, वैगा कंपनी का है, तो साहब भाई को लेकर दिया था, तो ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया। ये कैमो फ्लैग जो है तो बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है, और इनकी जो है जैकेट है उसके साथ ये मैच भी कर रहा है। तो अभी तकरीबन 12:45 हो चुके हैं, तो हम इंशाल्लाह निकल गए हैं। साहब भाई काफ़ी ज़्यादा लेट कर गए थे आज, तो पता नहीं मेरी आवाज़ आज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो मोटो व्लॉग जो है वो बहुत काम करेंगे, तो इसलिए आगे इंशाल्लाह आपको जो नज़र आएंगे वो सारे सिनेमैटिक्स नज़र आएंगे। तो अभी हमने रोड की साइड वो चेंज कर लिया, तो इस साइड पे जो है वो ट्राली जो है गन्नों वाली वो उल्ट गई है, तो बच गया, और लग तो नहीं रहा, हुई 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 बच गया है लगता, तो ट्राली उल्ट गई है यहाँ पे, तो इसलिए हमने इस साइड पे मर्ज कर लिया। तो यहाँ से ऊपर से मोटरवे गुजर रही है M4 है कि M3 है पता नहीं, मोटरवे है। सो गाइज, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले नीचे रेड बटन को दबा दें और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो एक ट्राली यहाँ पे उल्टी हुई है, तो कार्पेट रोड है वो ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे टूटी रोड शुरू हो गई है, तो यहाँ पे ट्राली यहाँ पे उल्टी हुई है। इस रोड पे ट्राली काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ये ट्रैक्टर ट्राली गन्नों वाली, तो पीछे मेरे बस आ गई है। तो अभी यहाँ से हम मर्ज कर जाएंगे दूसरी तरफ, तो वो साहब भाई को पता है वो रोड का, तो उस तरफ मर्ज कर जाएंगे। तो अभी यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे आराम से चलाते हैं बाइक, कहीं खड्डा ना लग जाए कोई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई रोड है। तो इस तरफ से हमने अपनी बाई जानब जो है अपने मर्ज कर जाना है, टर्न कर जाना है, जो कह रहे हैं कि टर्न कर जाना है। तो ये अब गांव से होती हुई, कौन से गांव है उनसे होती हुई जाएगी ये रोड। ये काम बता दिया, ये वाला कार्पेट रोड कम है और ऑफ रोड ज़्यादा है, तो लड़के ने बारी कहाँ फंसा दिया हमें। तो अभी कह रहा है यहाँ से किसी दूसरी तरह से टर्न करते हैं, तो अभी हम किसी गांव में के अंदर में से होके निकलेंगे बाहर, क्योंकि आपने देख लिया सामने रोड कितना ज़्यादा गंदा था, तो ये पता नहीं कौन सा गाँव है।
और राम राम से यहाँ से चलते हैं। ये ऑफ रोडिंग ज़्यादा हो गई हमारी, तो कारपेट रोड जो है वो तो अभी मिला नहीं है। फाइनली जी तकरीबन 20 किलोमीटर और तकरीबन आधा घंटा घंटे के सफ़र के बाद तो मेन रोड आ गया, तो अब सुखा सांस आ गया क्योंकि ये जो रोड था वो काफ़ी ज़्यादा नैरो रोड था और हर 15 किलोमीटर बाद नहीं, हर 5 किलोमीटर बाद तकरीबन गाँव आ जाता था और गन्ने की ट्रालियों इस तरह की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रश था, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये भी अब रोड कमालिया ग्रेकली पहुँच चुके हैं। अभी तकरीबन 1 बज चुका है और हम पहुंच चुके हैं कमालिया, तो अभी पेट्रोल पंप पे रुके थे तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट एरिया में, तो ये मेरी बाइक खड़ी है और ये सैफ भाई हैं और वो मुजम्मल भाई कहाँ हैं ये, तो अभी हमने जाना है सैफ भाई के काम है इनका, तो वहाँ पे जाएंगे फिर बाद में आपको दिखाएंगे यहाँ का चिड़ियाघर और आगे देखेंगे क्या क्या सैफ भाई हमें दिखाएंगे तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर इकट्ठे हो गए हैं, तो ये साहब भाई यहाँ पे हैं, तो ये पीछे इनका घर है यहाँ पे, तो ये भी आपको दिखाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, तो ये साहब भाई बता रहे थे ये हमारा रकबा है वहाँ तक वो दीवार तक। अच्छा, वो दीवार से लेके यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से वो दीवार तक, वो दीवार से कहाँ तक है यहाँ तक, ये हमारे ये जो सड़क यहाँ से गुजरी है तो यहाँ तक इनका रकबा ही है अपना, क्या कहते हैं हमारे 10 एकड़ है, 10 एकड़ उनके हैं, 20 एकड़। अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे पीछे ही हैं सारे ये हमने एक तो ये भाई मकान है साहब भाई का, तो यहाँ से साहब भाई यहाँ से समुद्री आ गए हैं, तो कैमरे में मेरे आ नहीं रहा तो वहाँ तक जा रहा है, तो ये हमारी बाइक्स खड़ी है, तो अंदर अंदर जाके नहीं दिखा सकते चलो ठीक है, वो यहाँ पे है नहीं है तो नहीं तो अंदर से भी दिखा लेते। तो अभी कहाँ चल रहे हैं हम? अब हम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन चलो, मैंने कहा जाते जाते आपको कमालिया की गली है जो है वो भी दिखा दूं। तो ये जी यहाँ मोहल्ला है साहब भाई का, तो आप देख सकते हैं, तो हमारी बाइक जो है वो एक्सचेंज हो गई है, तो अभी साहब भाई मेरी बाइक चला रहे हैं अपने मोहल्ले में। मुंडा कह रहा था कि गेरी चेरी मारनी है और थोड़ी सी मोहल्ले वाले को दिखा रहा है कि बाइक लेके आया, तो इसलिए अभी ये थोड़ा सा शो ऑफ हो रहा है मोहल्ले का। तो अभी हम आ गए हैं साहब भाई के दोस्त के पास, तो अभी जहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया तो यहाँ पे नहीं, मैंने नाश्ता नहीं किया तो अभी पीते हैं यहाँ पे चाय, फिर चलते हैं रेलवे स्टेशन वो दिखाते हैं, उसके बाद जू में चलते हैं, फिर इंशाल्लाह रावी पुल है तो दरिया रावी दिखाएंगे आपको, तो अभी यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो अभी चाय वगैरह पी के हम निकल चुके हैं, तो साहब भाई अभी मेरा बाइक ही राइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मौसम ख़राब हो गया, बादल वगैरह आ गए हैं, तो बारिश हो ना जाए, अगर बारिश होगी ना तो सर्दी पहले काफ़ी ज़्यादा है तो काम ख़राब हो जाएगा। अभी हम पहुँच गए जी कमालिया के रेलवे स्टेशन पर, तो वो सामने साहब भाई खड़े हैं और साहब भाई के फ्रेंड्स आए हुए हैं। अभी हम आ गए हैं जी कमालिया के जो रेलवे स्टेशन पे, तो ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है लेकिन हमारी समुद्री में ये भी नहीं है। अभी कमालिया की जो तंग तंग सड़कें हैं तो वो भी मैं क्या आपको अच्छी तरह से दिखा दूँ, कमालिया सिटी जो कि जिस नाम से साहब ने मशहूर किया हुआ है तो वो फिर आपको दिखाना बनता है। तो ये जी यहाँ की सड़कें हैं तंग तंग सी, तो यहाँ पे आके मुझे मुल्तान वाली फीलिंग आ रही है इस तरह की, तो सड़कें मुल्तान में थी जो हमने घूमी थी, तो सेम वही फीलिंग आ रही है, सेम वही फीलिंग जो पुराना लाहौर हो गया या पुराना मुल्तान हो गया ना, तो सेम वही फीलिंग आ रही है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा तंग तंग से सड़कें हैं। तो टाइम जो है वो हमारे पास शॉर्ट था, तो अभी हम जा रहे हैं ज़ू, तो जितनी गलियाँ आपको दिखानी थी उतनी दिखा रही हैं, तो अभी ज़ू चलते हैं, उससे उसके बाद हमें आगे भी जाना है, तो टाइम काफ़ी शॉर्ट है, वापसी भी करनी है, तो अभी ज़ू चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जी, वाइल्ड लाइफ पार्क है जाए,
तो यहाँ पे देखते हैं, मुझे हिरन वगैरह तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए भरे सिंह है तो वो भी देखते हैं। तो ये टिकट्स वगैरह ले रही हैं हमने। ये यहाँ पे जी शेर बैठे हुए हैं, ये क्या बात, एक ये शेर है, दूसरा शेर ये है, और ये तरह बब्बर शेर है। वाह यार, तो दो शेर यहाँ भी बैठे हुए, अभी बैठे सुस्त है थोड़े से लग रहे मुझे। तो ये यहाँ पे हिरन है कि कौन सा जानवर है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे एक जानवर गया वहां पे, वो दरख्त है यहाँ पे ना, वहां पे एक है मारखुड़ जैसा लग रहा है, तो ये पता नहीं कौन से जानवर है। तो जो रीच था तो वो बैठा रहा है, उठा ही नहीं है, पता नहीं किस चीज़ की उसे सुस्ती चढ़ी हुई है। तो अभी हम कोई और जानवर जो है एक्सप्लोर करेंगे, कौन कौन से जानवर यहाँ पे हैं। काफी ज्यादा जानवर, वैसे कुछ तो मैंने दिखाई नहीं, परिंदे काफी ज्यादा हैं। ओह, ये भी रीच बैठा हुआ है यहाँ पे। वाह, तो ये बड़े सुकून से यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कहीं मेरी उंगली ना पकड़ ले यहाँ से। नहीं पकड़ दो मेरे बाहर लगना। तो हम इन शेरों को जगा जगा के थक गए हैं, तो शेर जाग ही नहीं रहे। तो अभी हम जाने लगे हैं वापस, चार बज चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा देर यहीं पे हमने टाइम गुजार लिया अपना। तो अभी रावी पुल जाना है, तो वहाँ पे देखेंगे अगर फिश वगैरह होगी, क्या हो गया वहाँ पे वो देखेंगे, वहाँ पे जाके जो भी अवेलेबल हो का वहाँ पे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी जा रहे हैं जी दराए रावी पे, तो यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है, तो अभी वहाँ चलते हैं। तो वहाँ देखते हैं, साहब भाई कह रहे थे कि बड़ा प्यारा मंजर है यहाँ पे। अभी इस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो सामने मुझे पुल नज़र आ गया रावी का। तो अभी ये सड़क है बन रही है कहाँ पर रोड, तो अभी तो यहाँ पर आना मुनासिब नहीं है। तो अभी देखते हैं कि आगे रोड कैसा है, और जो नया पुल बनाया वो तो यहाँ पर आ गया है। ये है जी दरिया रावी का नया पुल, तो दरिया रावी तो सारा सूखा पड़ा है, सूखा। अभी हम दरिया रावी पे आ गए हैं, तो ये पीछे मेरे मशीनरी खड़ी है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा यहाँ पे काम चल रहा है अभी। तो यहाँ पे क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो ये मेरे पीछे दरिया रावी है मेन, या ये तो दरिया रावी का मेरे ख्याल कोई रकबा है। दरिया रावी मेन वहाँ से गुजर रहा है बहुत दूर से, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है वहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे आके टाइम ही एक किस्म का जाया हुआ है हमारा। तो कोई नहीं, खैर ये भी देख लिया हमने वैसे, तो साहब भाई ने भी फर्स्ट टाइम देखा, इसलिए अंदाजा नहीं था मैं कि ऐसा होगा ये पे। तो अभी चलते हैं वापस, फिर वहां से इंशाल्लाह वापसी निकलेंगे। अभी तकरीबन 5 बज चुके हैं, तो हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया यहाँ पे। तो साहब भाई उन्हें तो निकल गए हैं, तो अभी मैं भी निकलता हूँ जल्दी से। तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, तो एक सूरत हाल बन गई है, तो मैं अभी आपको जाके बताऊंगा। तो अभी खतरा बहुत ज्यादा है हमें, तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। ओ शिट 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 शिट, जल्दी 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 जल्दी।
जल्दी हो सकता है ये रास्ता क्रॉस करना है हमें। अभी हम अपने इलाके में पहुंच चुके हैं, तो पीछे हम रावी पे गए थे तो काफ़ी ज़्यादा सुनसान, मैंने पुल तो आपको दिखा रही है, तो वहाँ पे एक बंदा आया, उसने साहब भाई की जो बाइक है उसका रेट पूछा है, साहब भाई की बाइक को नंबर नहीं लगा हुआ, तो वो बातें ऐसी कर रहा था मशहूर सी कि आप बंदूक के साथ तस्वीरें होती है, अगर आपके पास यहाँ पर बंदूक होती तो तस्वीर अच्छी होती, तो हमने लाइटली किया तो साहब भाई ने किक मारी और वापस चले गए और मैं वहाँ पर खड़ा ब्लॉक में, हमने देख लिया और मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, तो तब उसने फ़ोन लगा लिया किसी को और मशकूक सी बातें करने लग पड़ा, मैं डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया, तो मैंने उसी वक्त बाइक को चलन लगाया और मैंने भगा दिया बाइक, मैंने नहीं देखा रोड कैसा है, तो अभी हम यहाँ पे बटू पे पहुँच चुके हैं, तो साहब भाई ये ले गए, कह रहे कि यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल है, तो अभी यहाँ पे खाएंगे खाना, अल्लाह के बचा रहे। तो खाना वगैरह हमने खा लिया, तो अभी चलते हैं, तो ये रेस्टोरेंट था फ्लेवर्स, कमालिए का मशहूर रेस्टोरेंट है जो साहब भाई बता रहे थे, तो अभी चलते हैं वापस, तो बाइक का पेट्रोल भी तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो पेट्रोल भी डलवाते हैं, तो निकलते हैं समुद्री के लिए, तो शुक्र है क्या मैं बताऊँ आपको। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं चाय पीने के लिए, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अभी चाय पीते हैं, गर्मा गर्म चाय है, तो मुनम्मर भाई बैठे मोबाइल पर क्या देखिए आ रहे हैं। तो अभी हम रुके थे थोड़ा सा पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ से अभी पेट्रोल डलवाया और थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, तो अभी इंशाल्लाह निकलते हैं समुद्री के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा रात हमें यहीं पे हो गई है, तो लाइट्स मैंने ऑन ही नहीं की अभी, तो रस्ते में सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। थैंक गॉड, तो बड़े खैरियत से अपने शहर पहुँच चुके हैं हम, अभी जा रहे हैं घर की तरफ, तो आज काफ़ी ज़्यादा रिस्की राइड हो गई हमारी।